सो आज मैं आपको कलंगुट में मेन मार्केट में एक ऐसा रिजॉर्ट दिखाने वाली हूँ जहाँ से बीच का डिस्टेंस जो है 10 मिनट पर ही है। यहाँ पर आप जो है फैमिली या फिर ग्रुप्स के साथ जो है स्टे कर सकते हैं। इन हाउस रेस्टोरेंट, बड़ा सा स्विमिंग पूल एरिया और आसपास बहुत सारे शॉप्स और रेस्टोरेंट, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को आखिर तक देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हुमिना रॉ फाइन इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अभी आपको जो है एक कलंगुट बागा रोड टच पर मेन मार्केट में एक प्रॉपर्टी दिखाने वाली हूँ। और ये प्रॉपर्टी रिकमेंडेड है ग्रुप्स के लिए, जो कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे जिन लोग आते हैं और जिनको बहुत अच्छा स्टे तो चाहिए ही बजट में, वो भी स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट के साथ। और आप बस 5 to 10 minutes में जो है बीच पर पहुंच जाओ। तो ऐसे ही ये प्रॉपर्टी है और कलंगुट यहाँ से जो है 1 किलोमीटर की दूरी पर है और बागा जो है 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सो यहाँ पर मेन मार्केट है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। और इस रिज़ॉर्ट का नाम है सन किस्ड रिज़ॉर्ट और मैं इसी का टूर आज आपको देने वाली हूँ। तो आप जो है इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, जिसमें प्राइस और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो गाइस, ये है बागा कलंगुट रोड और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है सनकिस्ट प्रीमियम रिजॉर्ट। और यहाँ पर अंदर की ओर इनकी खुद की पार्किंग है। ऐसे रिजॉर्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर आपको कार बाइक दोनों भी अगर पार्क कर दी होगी तो कर सकते हो। 4 कैटेगरीज के रूम्स है। सो ये रहा इसका पार्किंग स्पेस और यहाँ पर रेस्टोरेंट और जो स्विमिंग पूल है। और ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन एरिया के बगल में है यहाँ का रेस्टोरेंट और स्विमिंग पूल एरिया। सो जैसे कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ का जो रिजॉर्ट है वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर आपको जो है ग्रुप में स्टे करने के लिए बहुत ही मज़ा आएगा और ग्रुप्स के लिए बड़ा सा स्विमिंग पूल तो चाहिए ही और यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम भी है। सो ये है रेस्टोरेंट। सो यहाँ पर 2 रेस्टोरेंट है, एक नॉनवेज रेस्टोरेंट और वेज रेस्टोरेंट अलग से है। तो ये आउटडोर सिटिंग एरिया जो है ये नॉनवेज फूड के लिए है और यहाँ पर बार भी आपको अवेलेबल है। सो ये है प्योर वेज रेस्टोरेंट जहाँ पर काठियावाड़ी थाली आपको 240 रुपीज़ में मिल जाती है और काफ़ी अच्छा है और फूड की क्वालिटी भी यहाँ की बहुत ही अच्छी है। मतलब कि आपको यहाँ पर बाहर कहीं पर भी जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फूड यहाँ पर ही आपको जो है अवेलेबल हो जाएगा। मुझे सबसे ज़्यादा इस स्विमिंग पूल की साइज़ अच्छी लगी और उसके सामने का जो सिटिंग एरिया है जहाँ पर आप अपनी ड्रिंक्स जो है उसे इंजॉय कर सकते हो। सो यहाँ पर किड्स और अडल्ट दोनों भी पूल जो है वो अवेलेबल है। मतलब आप फैमिली के साथ पूरे आ रहे होगे तो यहाँ पर काफ़ी इंजॉय करोगे। यहाँ पर ना इसका स्विमिंग पूल जो है वो काफ़ी अच्छा है और मुझे यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या लगी पता है कि यहाँ पर आपको जो है वेज नॉन वेज जो रेस्टोरेंट है उसका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। मतलब किचन भी अलग अलग रहता होगा, मतलब जो प्योर वेज है उनके लिए अलग से रेस्टोरेंट है। और तो ये बेस्ट है बाहर की तरफ, बार एरिया भी अगर आपको ड्रिंक्स चाहिए होगी तो वो भी यहाँ पर आराम से मिल जाएगी और काफ़ी रिलैक्सिंग प्लेस है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। सो गाइस, मैं भी आपको जो है स्टूडियो रूम जो है वो दिखाने वाली हूँ। सो आप देख सकते हो ये है बाहर का स्पेस। यहाँ पर इन लोगों ने जो है सोफ़ा कम बेड दिया गया है। यहाँ पर भी एक सोफ़ा रखा गया है, सामने की तरफ टेबल चेयर, टीवी दिया गया है, फुल स्पीड वाईफाई है। उसी के साथ साथ ये देखो यहाँ पर केटल्स, वाटर बॉटल्स, ये सब कुछ रखा गया है। और यहाँ पर मिनी फ्रिज भी है, मतलब अगर आपको अपना कुछ भी ड्रिंक्स रखनी होगी तो आप यहाँ पर रख सकते हो। उसके साथ जो है यहाँ पर एक कॉमन वॉशरूम दिया गया है। सो ये है शॉवर एरिया और इसके बाद मैं अभी आपको जो है रूम दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर जो रूम की साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ी है। सामने की तरफ टीवी दिया गया है और ये है बेडरूम। सो क्वीन साइज बेड आपको दिया गया है।
जिससे आप जो है रह सकते हो, एक्स्ट्रा के पर्सन भी अपने साथ हो गए तो बाहर सोफा कम बेड तो है ही, मतलब चार जन जो है अगर आपके साथ बच्चे हो गए तो वो भी आराम से यहाँ पर, या फिर ग्रुप होगा आराम से यहाँ पर स्टे कर सकता है। सो काफ़ी बढ़िया है, नीट और क्लीन है, और उसी के साथ साथ रूम की जो साइज है वो भी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर इन लोगों ने एसी, टेबल चेयर और यहाँ पर वार्डरोब दिया है। सो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टी है, और मैं जो प्राइजेस बता रही हूँ ये पीक सीजन के हैं, ऑफ सीजन के तो और भी सस्ते हो जाते हैं, इसलिए ये रिजॉर्ट हमेशा फुल ही रहता है और मोस्टली यहाँ पर ग्रुप्स ही आते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो है सिर्फ यहाँ पर स्टे करना रहता है, गोवा में पूरा एक्सप्लोर करना रहता है, तो इसीलिए जो है हम लोग ऐसे ही जो मेन सिटीज़ में रिजॉर्ट ढूंढते हैं जो कि बजट फ्रेंडली हो, जिससे हम लोग सिर्फ सोने के लिए अच्छे से अरेंजमेंट हो जाए, और रेस्टोरेंट हो, स्विमिंग पूल एरिया हो, बाकी तो हम लोग गोवा एक्सप्लोर करना रहता ही है। सो यहाँ पर मैं आपको जो है चारी के चारी कैटेगरी तो नहीं दिखा सकती, दो कैटेगरी दिखा सकती हूँ, वो मैं आपको दिखाने ही वाली हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ पर इन लोगों ने ना एक है ना एक अलग सी ऐसी स्पेस दी गई है, मतलब कि अगर आपकी एनिवर्सरी हो या फिर आपको एवी बैठना होगा तो बहुत ही अच्छा जो है गजीबोस यहाँ पर इन लोगों ने जगह जगह पर बनाए हैं, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो गार्डन एरिया है बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, उसकी वजह से आपको यहाँ पर बैठना शाम को तो और भी अच्छा लगने वाला है। सो गाइस ये है यहाँ पर डीलक्स रूम, आप देख सकते हो यहाँ पर क्वीन साइज बेड है, साइड लैंप लगाए गए हैं, यहाँ पर सामने की तरफ टीवी है, चेयर टेबल है, अगर आपको कुछ वर्क करना हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल और फुल स्पीड वाईफाई, और उसी के साथ साथ यहाँ पर इन लोगों ने वार्डरोब दिया है जहाँ पर आप अपना लगेज रख सकते हो। उसी के साथ साथ ये है इसका वॉशरूम, और आप देख सकते हो ये है यहाँ पर शॉवर एरिया है, और आपको जो है ये डीलक्स रूम जो है एक कपल के लिए एकदम अच्छी है। सो मेन मार्केट में रिजॉर्ट होने का फ़ायदा ये रहता है कि यहाँ पर बहुत सारे शॉपिंग के, कैफ़ेज़ के और रेस्टोरेंट्स के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, और ये प्रॉपर्टी तो मिडल में है कलंगुट में, जिसके आप कौंडलिम में जो है आप फोर्ट में भी जा सकते हो, या फिर वहाँ के जो लैंड कसिनोज है वहाँ पर भी जा सकते हो, या फिर आप जा सकते हो बागा। बागा में तो आपको टिटोज लेन में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी, बीच पर कौंडलिम बीच हो या फिर कलंगुट या फिर बागा बीच पर जो शैक्स होते हैं आप वहाँ पर मॉर्निंग या फिर इवनिंग इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद जो क्लब्स हैं वहाँ पर भी आप जा सकते हो, वैसे जो कलंगुट और बागा में तो ओपन क्लब्स भी रहते हैं जहाँ पर आप डांस कर सकते हो, या फिर पेड जो क्लब्स रहते हैं आप वहाँ पर भी इंजॉय कर सकते हो। बहुत ही अच्छे लोकेशन में ये जो है रिजॉर्ट है। सो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी बेस्ट है, और मेन मार्केट में आपको ये जो प्रॉपर्टी मिल रही है उसी के साथ साथ यहाँ पर फोर कैटेगरीज के रूम है, और उसमें से मैंने आपको दो शो किए हैं, और जो रूम्स की प्राइस जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। स्विमिंग पूल के पास में अभी बैठी हूँ, स्विमिंग पूल देखिए कितना बड़ा है, रेस्टोरेंट एरिया है, मेन मार्केट पास में है, जिसकी वजह से आप जो है शॉपिंग कर सकते हो, जल्दी से आपको कुछ भी चीज़ चाहिए होगी तो फटाक से मिल जाती है, वो एक मार्केट में रहने का जो है फ़ायदा होता है। सो जो हम लोगों ने जो डीलक्स रूम देखी, मैं अभी आपको जो है वो जो प्राइसेस बताने वाली हूँ वो सीजनल प्राइसेस है, मतलब जब दिसंबर मंथ के, अगर आप दिसंबर के पहले, उसके बाद जो अगर पीक सीज़न होता है तो उसके आगे पीछे अगर आते हो तो इसके प्राइजेस जो है वो और भी लो हो सकते हैं, तो इसके लिए आप कांटेक्ट करके आना, मैं अभी आपको जो हायर प्राइस रेंज जो है वो बताने वाली हूँ। सो हम लोगों ने जो रूम देखी डिलक्स, उसके चार्जेस है 3,500 रुपीज़ कपल्स के लिए, जिसमें आपको जो है ब्रेकफास्ट और टैक्सेस जो है वो इंक्लूड है। फिर से एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो प्राइजेस है ये दिसंबर के है, जिसमें जो है गोवा के प्राइजेस जो है नॉर्मल डेज से दुगना तिगना होते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ आप कांटेक्ट करके ही आना, जिससे आप मतलब मेरी वीडियो अभी दिसंबर में देख रहे होंगे तो प्राइजेस अलग होंगे, जनवरी मई में देख रहे होंगे तो प्राइजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रहते हैं, और क्या प्राइजेस होते हैं वो मैं अभी आपको ऐसे बता नहीं सकती, इसलिए आपको रिजॉर्ट्स को जो है वो कांटेक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर जैसे जैसे आप रूम को अपग्रेड करते हो, जो हम लोगों ने स्टूडियो रूम देखी उसके चार्जेस है
4,000 रुपीज़, मतलब 500 रुपीज़ ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद जो हायर कैटेगरीज के जो दो रूम है जो मैं आपको शो नहीं करा सकी, उसके जो रूम्स के चार्जेस है वो है 5,000 रुपीज़, और दोनों के जिसमें आपको जो है टैक्सेस और ब्रेकफास्ट जो है इंक्लूड है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है पेट्स जो है वो अलाउड है, अगर आपको पेट्स लाना होगा तो वो भी, और एक्स्ट्रा के पर्सन अगर आ रहा होगा आपके साथ तो उसके जो है 1,000 रुपीज़ आपको लगने वाले हैं। और 6 to 12 ईयर्स के जो बच्चे हैं बीच में के, उनके जो एक्स्ट्रा के चार्जेस होते हैं वो है 800 रुपीज़। और अगर आपको किसी को ग्रुप अगर स्टे करने के लिए यहाँ पर आना होगा तो उसके प्राइजेस भी जो है वो अलग है। मैं अभी आपको जो है कपल चार्जेस बता रही हूँ, तो प्लीज़ वो भी आप जो है ज़रूर कांटेक्ट करना, और कांटेक्ट डिटेल्स जो सारे के सारे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा ये प्लीज़ मुझे बताइएगा, और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। 2 मिनट